पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप और हम चाहें तो एक दूसरे की सुरक्षा कर सकते हैं, इन वारदातों को होने से रोक सकते हैं। अगर मोहल्ला सुरक्षित तो देश सुरक्षित। ऐसा भी क्या हो गया जो सुरक्षा का झंडा उठा लिया? सब ठीक ही तो है। सब ठीक है? अगर आपके पड़ोस में अपराध हो रहा है तो आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे कब तक? तब तक जब तक कि अपराध आप तक नहीं पहुंचता। अरे कैसे होगा, हमारी बहू बेटियां तुम्हारी तरह यूं दिन रात मोर्चे नहीं निकालती, समझे? किसी से पंगा नहीं लेती हैं। अरे ये इनका राजनीति में जाने का नया खेल है। हाँ, रोज रोज का तमाशा लगा रखा है। अरे हमारे पास कोई और काम धंधा नहीं है जो इनकी बातें सुने। चलो। हाँ चलो। एक मिनट मेरी बात सुनिए। जिसे आप मोर्चा ड्रामा ये सब कुछ कह रहे हैं, ये आज की सोसाइटी की जरूरत है। अलर्ट रहना, सक्षत रहना। जिस समाज में अन्याय बढ़ता जा रहा है उसमें आप कैसे रह सकते हैं? तो सूरज जलने के बाद बाहर निकलने की क्या जरूरत है? वाह आंटी जी, क्या सोच है आपकी। गलती कोई और करे और रोका हमें जाए, ये क्या इलाज है? तो जाओ फिर, निकलो रात को टाइट जींस पहन के। हमें क्या, हमारी बहू बेटियां घर के अंदर चार दीवारी में सुरक्षित है। एक मिनट आंटी जी, स्वाभिमान और आजादी हर इंसान का गहना होता है। लड़की को उड़ना सिखाया लेकिन उसके पर ही काट दिए। ये सब क्या है आंटी जी? कैसी माँ है आप और कैसी सास बनेंगी आप? और इंसान, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है ना। और हम सिर्फ औरतों की असुरक्षा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या आदमियों को डर नहीं? आए दिन किसी की जेब कटती है, दुकानों पर चोरी होती है, कारें चोरी हो जाती है, गुंडागर्दी होती है, और सीनियर सिटीजन, क्या उन पर जुर्म नहीं होते? एंड बच्चे, आए दिन हम पढ़ते और सुनते हैं किडनैपिंग्स के बारे में। इतना सब कुछ जानने के बाद हम सब मिलकर मोहल्ले की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे? बोलिए, बस भी करो अब। ये भाषण किसी लीडर को जाके दो। अरे चलो भाइयों, ये तो इनका रोज का तमाशा है। चलो चलो भाइयों। कहा था ना, इन सब फिजूल की बातों में कोई नहीं आने वाला। अब ये सब तमाशा देखने वाले लोग हैं, हमारे आंसुओं से इनको क्या लेना देना।
क्या रिंत्या, बोलो। हाँ केटी, बात कर सकते हो ना? इसलिए तो फोन उठाया, बोलो। वेल, रचना के बारे में पूछना था। वो नहीं इंटर्न जिससे कल तुम मिले थे। क्या पूछना है? मतलब कि हम उसे रख सकते हैं या नहीं? थिंक शी इज गुड कबीर। नित्या, तुम्हें जो करना है करो, उसे रखना है रखो, निकालना है निकालो। आई एम नॉट बॉदर्ड, ओके? फोन। हेलो। हे रचना, कहाँ हो तुम? ऑफिस क्यों नहीं आए? हम कल के बाद, हमारा मतलब है कि माने कि क्या? मतलब कि तुम ऑफिस आ जाओ, केटी ने तुम्हें काम से नहीं निकाला है। यू आर लकी। सच? अब जल्दी से ऑफिस आ जाओ और अपनी रेप्यूटेशन फिर से बना लो। गेस व्हाट, केटी घर से ही काम कर रहे हैं तो उसे पेपर डिजाइन चाहिए। एड्रेस है राम निवास। हाँ हाँ, मैं मालूम है राम निवास कॉलेज, लेकिन नित्या आज पॉसिबल नहीं। हम उनके घर नहीं जाएंगे। हमने एक नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था, एक ऑफिस जॉब के लिए। हम किसी के पर्सनल मुलाजिम नहीं है कि उनके घर जाए किसी भी टाइम। और हम जानते हैं कि हमें नीचा दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है। खरीद लिया है क्या हमें? जब मन है बुला लेंगे, कहीं भी जाने को कह देंगे। हेलो, क्या हुआ रचना? किसका फोन था, कुछ बताओगी? गुंजन, याद है हमने तुम्हें एक काली गाड़ी वाले के बारे में बताया था? वही गाड़ी वाला हमारा बॉस है। क्या, तुम्हारा बॉस? ओह गॉड, डोंट टेल मी कि अब तुम नौकरी छोड़ने की सोच रही हो। हम क्यों छोड़ेंगे? हमें लगा कि वो हमें नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन वो हमें वापस बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बॉस के घर जाना पड़ेगा डिजाइन्स बनाने के लिए। लेकिन हम क्यों उनके घर जाएं? हमें इंटर्नशिप के लिए रखा था, ना कि पोस्टमैन बनने के लिए। ओहो रचना, कब तक और किस किस से अपना डर छुपाओगी? अरे हम कहाँ डर रहे, ये डर नहीं तो और क्या है? अजीब बात है, यहाँ हम मोर्चे उठा रहे, लोगों को आवाज उठाने के लिए कह रहे, और यहाँ खुद तुम ही ने बॉस का भूत बनाकर रखा हुआ है। वाह, क्या उसूल है रचना। हेलो। हेलो। हाँ गुंजन, हम छाया, तुमने जो कहा हमने सुना। रो मत छाया, ये वक्त रोने का नहीं है, इनफैक्ट सबको सबक सिखाने का, आवाज उठाने का वक्त है। मेरी बात ध्यान से सुनो, समझ रही हो ना? ये हुई ना बात। बाय रचना, कल हमें यहीं आना होगा, अभी फिलहाल घर चलते हैं। दाल मक्खनी तो हो गया, पर पनीर कोफ्ता तो बहुत जरूरी है। हाँ, और काजू डालना मत भूलना। हाँ, काजू लगेगा उसके लिए। 250 ग्राम मंगा लेते। हाँ 250। थोड़ी कोशिश तुम करना, थोड़ी मैं। चलो। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, कल बहुत सारा काम है, कॉलेज से जल्दी आ जाना। वो एक्चुअली मौसी माँ, मैं और रचना कल कॉलेज नहीं जा रहे। अरे बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम लोग कॉलेज नहीं जा रहे। ये नए जमाने का जो खाना होता है ना,
हमने तो बनाना नहीं आता, तुमने तो हमारी जान बचा ली। चाची जी हमें कहीं और जाना है। कहीं और जाना है? मम्मी जी वो छाया। देखो बेटा ये छाया माया की बात तुम रहने दो, पहले ना ये जो नया काम है ना ये निपटाओ तुम। लेकिन मम्मी जी इस वक्त छाया की बात से जरूरी और कोई चीज नहीं है। अरे लेकिन गुंजन कैसी बात कर रही हो, बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि स्टार्टर्स की जिम्मेदारी तुम दोनों की, रचना तुम मिलकर स्टार्टर्स बना लेना। हाँ मेन्यू तो रेडी है, अब हम जाके रात के खाने की तैयारी करते हैं। हाँ चलो चल। चलो सीमा आपसे एक और बात पूछनी है। चाची जी हमारी बात तो सुन लीजिए। हाँ चाची जी हमारा कल बहुत जरूरी काम है। होगा जरूरी, हम कहाँ मना कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इतना जरूरी है ना तो कल के बजे परसों को कर लेना। ठीक है अभी चलो रसोई में हमारी मदद कर दो। चलो यहाँ तो ना कोई सुनने को राजी है और ना कोई समझने को, अब क्या करें। बच गए, मुझे जल्द से जल्द मार्केट जाना होगा। गुंजन रचना भी आते होंगे। हमें माफ कर देना माँ, हमने गुंजन का साथ देने का वादा किया है, हमें जाना होगा। सब ठीक होगा, जहां वो गुंडे होते हैं ना वहां जाओ, उनके सामने खड़ी रहो, और अगर उन्होंने कुछ किया तो हम सब सामने आएंगे, मिलकर साथ हमला करेंगे। डरना नहीं। नहीं गुंजन बेटा, एक बार हमने कह दिया ना कि नहीं जाना तो नहीं जाना। देखो हम मानते हैं कि छाया के साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन तुम ही बता जो लोग उसके साथ इतना गलत कर सकते हैं तुम्हें भी तो चोट पहुंचा सकते हैं ना। देखो बेटा घर में बहुत काम है, तुम लोग हमारी यहाँ पर मदद करो। वो विक्रम भी आने वाला है, उसका भी कमरा तैयार करना। मामी जी आकर कर देंगे ना। नहीं आप तो जानती है ना आजकल लोग कितने बेपरवाह हो गए, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। आज मैं इन्वॉल्व क्यों हो रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम आवाज उठाएं और विक्टिम की मदद करें। गुंजन बेटा बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा दीदी आप आ गए, आप ही समझाइए ना इन दोनों को। मम्मी आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, ये छोटा सा प्लान है लोगों की मानसिकता बदलने का, हम कब तक हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे। दीदी सुन रही है ना आप, देखिए ना इन दोनों को, अपनी जान पर खेलकर कहीं कुछ हो गया। जी कुछ नहीं होगा, छाया भी तो आपकी बेटी जैसी है ना, आपके सामने बड़ी हुई है। और आप ही बताइए क्या आप उन गुंडों को माफ कर सकती है जिन्होंने आप ही के मोहल्ले में आप पर हमला किया, हार लिया और आपको मारकर चले गए। अब क्या आप उनके डर से घर में दुबक कर बैठी रहेंगी। इस घर इस मोहल्ले इस देश की क्या हर औरत और हर बच्चे यही करेंगे, डर कर घर में बैठे रहेंगे। अच्छा ठीक है तुम लोग जा सकते हो। लेकिन मयंक के आने के बाद। ठीक मौसी जी पता नहीं मयंक कब तक वापस आएगा, उसे देर हो गई तो छाया ऑलरेडी वहां पहुंच गई होगी, वो हमारा ही वेट कर रही है। बेटा जो भी हो जब तक मयंक नहीं आएगा ना तुम दोनों घर से बाहर नहीं जाओ। मम्मी प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए ना। चाचा जी समझने की कोशिश कीजिए, अगर इतना जरूरी नहीं होता तो हम इतना जोर नहीं देते।
मौसी माँ, कहीं ऐसा ना हो हमें पहुंचने में वहां देर हो जाए और छाया के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत। ओए, इधर इधर, ये क्या सड़े टमाटर बेचता है? नहीं साहब, बिल्कुल ताजे हैं। अच्छा, क्या गारंटी है? चेक करना पड़ेगा भाई, ये ले। ताजे। ऐसा क्यों करते हो? अच्छे घर के हो। ए बुड्ढे, अपना ये भाषण मन कर, समझा? अरे बेटा, भाषण नहीं दे रहा था मैं तो। अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो। ले, छोड़ दिया। बुड्ढा कहीं का जुबान लड़ा रहा था। ए! अंकल, आप ठीक हैं? होते कौन हो इन्हें मारने वाले? ये शरीफों का मोहल्ला है, तुम जैसे गुंडों का घर नहीं। ओ, तो आप ही हैं मैडम जो उस दिन हमें चकमा देकर भाग गई थी? लेकिन आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं। आओ, आ गया या हम आ जाएं? ठीक से देख तो ले इस प्यारी प्यारी शक्ल को। आज किस गली में भागने का प्लान है? हमें भी ले चलो। अरे इसे गली क्या, घर ले चलते हैं, इतनी प्यारी लग रही है। अब बोल, अब कहां भागने का प्लान है तेरा? हा? कहो तो हम रास्ता बता दें। आखिर हम भी तो इसी गली में रहते हैं। अरे अरे बचाओ इस लड़की को कोई, अरे इसकी कोई मदद करो। ए, कप, कप। मौसी माँ प्लीज एक बार छाया के बारे में सोचिए, वो वहाँ हमारा इंतजार कर रही है। मम्मी, भैया के आने तक देर हो गई तो प्लीज हमें जाने दीजिए ना। ठीक है, जाओ तुम लोग, लेकिन संभल कर, अपना पूरा ध्यान रखते हुए। हाँ, आई लव यू मौसी माँ। थैंक यू मम्मी। अच्छा अच्छा, जाओ अभी, चलो रुचि। चलो, प्राची और गुंजन भी आते ही होंगे।
ये बात मत सोच।